अरे जनाब, जब आप एक तरीके से कह रहे हैं कि आपने वो आज हमारी सरहद में आए नहीं हैं, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने बदला लिया। पहले आप अपनी बात पे स्टेबल हो जाइए। आप कहना क्या चाहते हैं, हमारे बीच जवान शहीद हुए हैं या नहीं हुए, या फिर उन्होंने हमारी सरहद पे आकर हमारे जवानों को मारा है या नहीं मारा, शहीद करा है नहीं करा, या फिर उन्होंने हमारी जमीन हत्याई है या नहीं हत्याई। अगर आप कहते हैं आपने जमीन हत्याई नहीं, तो आपने गलवान में काहे को आप पहुंच गए। मतलब बात हो रही है चाइना की, और नोटिस पहुंच रहे हैं प्रियंका गांधी के घर कि यहाँ पे जो दिल्ली में जमीन है आपकी, उसको नोटिस भेजकर कि यहाँ से खाली करिए और ये जमीन पे आपने कब्जा हत्या रखा है। अरे भाई, ये इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब की कहानी नहीं है। आप कब तक अटके रहेंगे, आपके चैनल कब तक इन पे अटके रहेंगे, या फिर अन्ना गोस्वामी कब तक इन पे अटका रहेगा? हमेशा आप गांधी 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 के जो चीन को आंखें दिखाई जाने वाली, 56 इंच के सीने दिखाए जाने वाली बात थी, हमारे मोदी जी ने खुद ही सरेंडर कर दिया वहां पर। खुद ही वो चुपका से बैठ गए कि भैया आप हमारा मैप ले लो, हम आपकी ऐप ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सीना जो है वो गलती से लोगों ने 56 इंच का समझ लिया था, वो तो 5.6 mm का है। और फोटो खिंचवाते हैं, अलग अलग रूप से फोटो खिंचवाते हैं, कभी कोई साइड से फोटो खींच रहा है, कभी कोई इस साइड से फोटो खींच रहा है। उसके बाद कई 9-9 लाख के जैसे सूट, हम कह ही लें कि वो 9-9 लाख के सूट, एक तरीके से उनकी जैकेट देखी हमने, जैकेट के साथ उन्होंने कैप लगा रखी है। मतलब आप उनका मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं, या क्या कहते हैं, जो वहां पर घायल हुए उनसे मिलने जा रहे हैं, या फिर आप मजाक? टिकटॉक बैन कर दिया आपने, बस। टिकटॉक एक बड़ी ऐप थी, शेरिट एक बड़ी ऐप थी, शाइन, उसके अलावा कौन सी बड़ी ऐप थी? कोई भी बड़ी ऐप नहीं थी, जिनको लोग यूज कम ही करते थे उनको ऐप को बंद करके ये अंधभक्त ये सोचते हैं कि हमारे मोदी जी ने बहुत करारा जवाब दिया। मतलब यहाँ पर मैप का, मतलब जो मैप का बदला है वो ऐप से लिया जाएगा, उनसा टैप जो भी बिल्कुल बेकार की ऐप है जिनसे कोई ले। आपको क्या लगता है कि सिर्फ उनसठ एप्लीकेशन बंद करने से हमारे 20 जवानों के शहीदों का बदला लेना इतना आसान हो जाएगा? जो इन्होंने बोला, पहली बात तो कि 20 जवान शहीद हुए ही नहीं है। पहली बात तो इन्होंने ये बात कही कि हमारे 20 जवान तो शहीद हुए ही नहीं है, और जो चाइना के लोग हैं वो हमारी घाटी में घुसे ही नहीं है। उन्होंने ये बात भी कही। पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री को ना सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, और अगर वो भाषण दे रहे हैं अपने भाषण में, तो एक्चुअल में क्या बात कर रहे हैं। हमारे क्या कहते हैं, हमारे पूरे देश में वो भाषण नहीं जाता। देश के लोग, अगर आप देश के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, वो अमेरिका जैसे, अगर पाकिस्तान जैसे, या फिर चाइना जैसे, अगर आप देश में देखें, अगर वहाँ पर वो बातें हो रही होती है ना, तो आपको बेवकूफ़ समझा जाता है। वहाँ पर आपके लिए ऐसी ऐसी बातें की जाती है, तो प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती इस तरह की बातें की जाती है। उन्होंने ये कहा कि हमारे 20 जवान शहीद नहीं हुए, उसके बाद उनका एक आता है कि हम अपना बदला लेंगे। अरे जब 20 जवान शहीद नहीं हो तो आप बदला कैसे लोगे, बदला किस चीज का ले रहे हो? फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है कोई भी हमारी उसमें घुसा नहीं है, हमारी सरहद में कोई घुसा नहीं है, और हमारी ना उन्होंने जमीन हत्याई है, और वो हमारे से डर गए हैं, हमने उनको अपनी आंखें दिखा दी है। इस तरह की मीडिया ने भी बातें चलाई कि हमने उनको आंखें दिखा दी है, वो डर गए हैं। अरे जनाब, जब आप एक तरीके से कह रहे हैं कि आपने वो आज हमारी सरहद में आए नहीं है, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने बदला लिया। पहले आप अपनी बात पे स्टेबल हो जाइए। आप कहना क्या चाहते हैं, हमारे 20 जवान शहीद हुए या नहीं हुए, या फिर उन्होंने हमारी सरहद पे आकर हमारे जवानों को मारा है या नहीं मारा, शहीद करा है नहीं करा, या फिर उन्होंने हमारी जमीन हत्याई है या नहीं हत्याई। अगर आप कहते हैं आपने जमीन हत्याई नहीं, तो आपने गलवान में काहे को आप पहुंच गए, वहां पर आप पहुंच गए हैं लेह में, और आप वहां पर भाषण दे रहे हैं बड़े बड़े। सबसे मेन बात, हंसी आती है बात ये देखकर कि हमारा प्रधानमंत्री, आज तक कोई प्रधानमंत्री मैंने ऐसा नहीं देखा जो एकदम सूट में का, मतलब जो मीडिया है, हमारी मीडिया का दलाल, मीडिया का तो काम यही है कि वो पूरा एकदम से, जब हमारा मोदी जी जब कहीं आ जाते हैं तो मतलब सारी न्यूज़ खत्म हो जाती है। तो लद्दाख में वो ये दिखाते हैं कि मतलब सूट पहन रखा है उन्होंने, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर आते हैं, और फोटो खिंचवाते हैं, अलग अलग रूप से फोटो खिंचवाते हैं, कभी कोई साइड से फोटो खींच रहा है, कभी कोई इस साइड से फोटो खींच रहा है। उसके बाद कई 9-9 लाख के जैसे सूट, हम कह ही लें कि वो 9-9 लाख के सूट, एक तरीके से उनकी जैकेट देखी हमने, जैकेट के साथ उन्होंने कैप लगा रखी है। मतलब आप उनका मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं, वहां पे मरीजों से मिलने जा रहे हैं, या क्या कहते हैं, जो वहां पर घायल हुए उनसे मिलने जा रहे हैं, या फिर आप मजाक कर रहे हैं, या फिर आप एक तरीके से शोशाई करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है साइलेंस प्लीज, तो वहां पर लिखा होता है कि अगर आप शोर मचाएंगे तो जो वहाँ पे वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी होशियार तो हैं ही, बहुत पढ़े लिखे हैं, रियल डिग्रियां हैं कई सारी उनके पास, PhD पता नहीं क्या क्या करे बैठे हैं वो। उन्होंने माइक लिया हाथ में और वहाँ पर भाषण देते नजर आ रहे हैं, बैठ जाते हैं। अरे जनाब, मुझे एक बात बताइए कि वहाँ पर वो बेड्स आए कहाँ से? कुछ ही दिन में वहाँ पर बेड लग गए, और वहाँ पर जो लोग मरीज बैठे थे, क्या वो सही में मरीज लग रहे थे, या जिस तरह से उनको बैठाया गया
किसी को वहाँ पर कोई बुखार नहीं है, वहाँ पर कपड़े इस तरह से साफ करके पहनाए गए हैं, वहाँ पर नए बिल्कुल साफ बेड चमक रहे थे कि वहाँ पे बेड वो नहीं लगाए गए हैं, उनको उसी टाइम वहाँ पर लगाया गया है। एक कहानी पहले की मैं बताती हूँ, यूपी का एक केस बताती हूँ। जब हमारे ये योगी आदित्यनाथ को एक घर में मिलने जाना था तो पूरा का पूरा वो एकदम खराब घर, गरीबों का घर था, बिल्कुल गरीब थे वो लोग जिनका घर था, उनको पूरा मरम्मत करा के वहाँ पे एसी लगाया गया था उस आदमी के लिए। वही केस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इनको जाना था तो पूरा एकदम से हमारी, मैं आर्मी पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि आर्मी ने, क्योंकि सरकार जो होती है वो इतनी पावरफुल होती है, वो किसी से भी कुछ भी करा सकती है। तो वहां पर जो उस टाइम हुआ, जो हमारी माइक लेकर उन्होंने एक तरीके से बेवकूफपन जो किया, 20 जवान हमारे शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जान दे दी, और हमारा प्रधानमंत्री वहां पर शोशाई करने जा रहा है, फोटो खिंचाने जा रहा है, कैमरामैन लेकर जा रहा है, माइक लेकर जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो चीन के साथ ये जो हमारा इन्होंने बोला कि 59 ऐप्स बंद हो गई, एक तरीके से बहुत बड़ा मजाक था। पहली बात, अभी जो ले में ये कह रहे हैं कि 59 एप्लीकेशन बंद कर दिए, चाइना मुंह के बल गिरा हुआ है, मुंह के बल गिरा हुआ है, मतलब चाइना पता है क्या है, चाइना मतलब पूरे जो चाइना का जो पैसा जाता है ना, वो सिर्फ इंडिया के पास से ही जाता है, चाइना और किसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ही नहीं चाइना का। अरे बेवकूफ लोगो, अंधभक्तो, तुम ये सोचो कि चाइना जो है ना वो पूरे देश, अपने पूरे विश्व में अपनी जो सामान है उनको सेल करता है, और उसने सबको पता है कि उसने अपने सामान इस तरह से सस्ते दामों पर बेचे हैं सबको कि लोग उन सामानों के आदि हो चुके हैं। तो हम अपने ही देश में नहीं, अगर हम उनके 59 क्या उनके हम सारी ऐप्स जितनी भी हैं, ये जो पेटीएम चला रहे हो ना जनाब आप, जिनके ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री जी बने बैठे हैं, वो भी जरा पूछे कहाँ से आए हैं, वो भी चाइना के ही है, ठीक है। उसके बाद जितने भी यहाँ पर आप जिन 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 चीजों से आप कमाई करते हैं, आप टिकटॉक बैन कर दिया आपने, बस टिकटॉक ही एक बड़ी ऐप थी, शेरी टेक बड़ी ऐप थी, शाइन, उसके अलावा कौन सी बड़ी ऐप थी, कोई भी बड़ी ऐप नहीं थी, जिनको लोग यूज कम ही करते थे उनको ऐप को बंद करके ये अंधभक्ति ये सोचते हैं कि हमारे मोदी जी ने बहुत करारा जवाब दिया। मतलब यहाँ पर मैप का मतलब जो मैप का बदला है वो ऐप से लिया जाएगा, 59 ऐप जो भी बिल्कुल बेकार की ऐप है, जिनसे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने चने की बात करी है, यहाँ पर उन्होंने बोला 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हम बढ़ाएंगे, अपने देश को आगे ले जाएंगे, और उन्होंने बात क्या करी चने की, और चने कितने, 1 किलो, 1 किलो चने भी मिलेंगे। आप ये तो सोचो कि क्या बोल रहे हो, हमारे देश में सब पढ़े लिखे हैं, आज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं है, इतने बच्चे हैं तो सब पढ़ना चाहते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, पर आप सबको बेवकूफ समझते हैं, ठीक है जी। हाँ मैम, ये चाइनीज एप्लीकेशन की लगातार बात कर रहे हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमने 59 एप्लीकेशन बंद किया, चाइना मुंह के बल गिरा हुआ है, इससे अच्छा कोई निर्णय नहीं हो सकता, फैसला नहीं हो सकता। मैम जब बात आती है चाइना एप्लीकेशन की, तो चाइना सामानों का बहिष्कार करने की, तो ओप्पो वीवो का क्यों नहीं किया जाता, जो कि लगातार बीसीसीआई से 450 करोड़ रुपए की लगातार जब भी आईपीएल होता है तो स्पॉन्सर्स करते हैं, हमारी खुद भारत की जो कंपनियां वो करती हैं, बीसीसीआई में बैठे हुए जो लोग हैं, तो उसको क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा है, आपको क्यों क्या लगता है? कंपनी क्या, जो इनका खुद का जो चैनल चल रहा है वो भी वीवो ने ही प्रेजेंट उसको जो किया हुआ है, रिपब्लिक भारत, वो चला रहा था बॉयकॉट चाइना, उसने पूरा ये चलाया कि बॉयकॉट चाइना, और उसको हाँ, और जो नीचे लिखा हुआ था जो उसको मतलब स्पॉन्सर्ड बाय वीवो, तो मतलब इस तरह की बेवकूफी तुम कर रहे हो, वीवो से स्पॉन्सर्ड कर रहे हो अपने प्रोग्राम को, अपने चैनल को, और बॉयकॉट चाइना कर रहे हो। तो मैंने बोला ना कि जिन चीजों से इनकी कमाई बहुत ज्यादा है, आपने दलाल मीडिया पे फुल चला दिया कि देखिए किस तरह से लोगों ने इसका बहिष्कार किया, चाइना का बहिष्कार किया, मतलब पूरे भारत में जिसका चल रहा है वो कुछ नहीं है, आपने टीवी फेंक दिया, उसका बहिष्कार हो गया। उसके बाद जो गुजरातियों का ये व्यापार है ये कभी ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि सारा का सारा पैसा जो है, जो सारा का सारा टैक्स जो है पूरा का पूरा सरकार के पास जाता है, सरकार की मिली भगत से सब कुछ होता है, ये सबको मालूम है जी। मैम क्या आपको लगता है कि जो लगातार ये बोलते रहे कि हम आपको आंखें में आंखें डाल करके आंखें लाल लाल आंखें वाले, और साथ ही साथ 56 इंच वाले जो मजबूती रह गई सरकार है, ये कब काम आएगा, मुझे यही समझ में नहीं आता। आप दर्शकों को बताइए कि आखिर जब इतना इरादा मजबूत है, सब कुछ इनके पास है, तो वो सारे औजारे हैं जो इक्विपमेंट है, कब काम में आएंगे, क्या बताते हैं? 56 इंच का नहीं था वो गलती से हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़े पढ़े लिखे नहीं है, वो 56 नहीं, वो 5.6 mm का सीना बोल रहे थे, वो उन्होंने 56 नहीं बोला, तो हमें सुनने में गलती हुई, वो उनकी गलती नहीं है, कृपया करके हमारे सारे मतलब जो जनता है वो इस बात को सुन ले
कि उन्होंने 56 नहीं वो 5.6 बोला था, और उन्होंने ये बताया कि 5.6 है तो उसमें मतलब कुछ करने का जिगरा तो है नहीं, और तो हम एक ही काम कर सकते हैं, आपको चने मुफ्त में चने दे सकते हैं हम, या फिर वो 59 ऐप जो हैं बेकार की ऐप्स उनको बंद कर सकते हैं। लाल आँखें दिखाने की बात करी, अरे लाल आँखें पहले आप उन आँखों से सही से देखना सीख लो, फिर उसके बाद बताना कि आप लाल आँखें दिखाएंगे या कौन सी आँखें दिखाएंगे आपने। आप सिर्फ जो गीदड़ भक्कियाँ आप नहीं दे सकते हैं वो पाकिस्तान को दे सकते हैं, उन पर ही चलाइए जनाब। चाइना कोई पाकिस्तान जैसा देश नहीं है, चाइना का जो काम है व्यापार है वो बहुत बड़ा व्यापार है। तब इंदिरा गांधी 1971 में इंदिरा गांधी जी थी, 1971 में जब वो वहां गई तो पाकिस्तान के उन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया था, उनके एक भाषण से पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया था। और 2020 की बात करें हम मोदी जी की, तो 2020 में ये हुआ है कि जो चीन को आंखें दिखाई जाने वाली 56 इंच के सीने दिखाए जाने वाली बात थी, हमारे मोदी जी ने खुद ही सरेंडर कर दिया वहां पर, खुद ही वो चुपका से बैठ गए कि भैया आप हमारा मैप ले लो, हम आपकी ऐप ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सीना जो है वो गलती से लोगों ने 56 इंच का समझ लिया था, वो तो 5.6 एमएम का है, तो इसलिए हमने गलती से हमारे लोगों ने समझ लिया, उनको कृपया करके क्षमा करें। काफी सारी मांग कर रहे हैं हमारी सरकार से कि जो चाइना ने हमारी जमीन हथिया ली है प्लीज उसको खाली कराइए, और उसके लिए कोई ऐसे कानून बनाई ऐसा कुछ करिए कि वो हमारी जो जमीन है हथिया ली है उसने वो वापस चले जाए और हमारी जमीन खाली कर दे। पर देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है जो प्रियंका गांधी है उनको नोटिस दिया जा रहा है कि आप अपना घर खाली करिए, मतलब बात हो रही है चाइना की और नोटिस पहुंच रहे हैं प्रियंका गांधी के घर के, यहाँ पे जो दिल्ली में जमीन है आपकी उसको नोटिस भेजकर कि यहाँ से खाली करिए और ये जमीन पे आपने कब्जा हथियार रखा है। अरे भाई ये इंदिरा गांधी सोनिया गांधी प्रियंका गांधी इन सब की कहानी नहीं है, आप कब तक अटके रहेंगे, आपके चैनल कब तक इन पे अटके रहेंगे, या फिर अन्ना गोस्वामी कब तक इन पे अटका रहेगा, हमेशा आप गांधी 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 कहते हैं ना कि मोदी में कुछ तो बात होगी कि जो लोग उसका नाम लेते हैं, तो यानी आप सुबह से उठने तक या फिर पूरे सोने तक आप एक ही चीज करते हैं, वो क्या है, गांधी 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 परिवार, तो यानी उनमें कोई बात है, आप उनसे डरते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं।